हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन बुल्स, जो कि बेसिकली लर्निंग के लिए बनाया गया है। जो आपको ट्रेडिंग में, अगर आप बिगिनर हो तो आपको ट्रेडिंग करियर में आपकी मदद करने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं दो इंडिकेटर्स के बारे में, जो आपको इंट्राडे में जो ट्रेंड चल रहा है, उस दिन का जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड के बारे में आपको जानकारी देगा। एक जो है आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, अवेलेबल है कम्युनिटी स्क्रिप्ट में, और दूसरा जो है वो आपको उसमें ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कस्टमली बनाया हुआ है, इसको कोड किया हुआ है, कोडिंग करके उसको बनाया गया है, वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है वहाँ पे। तो वो आपको जनरली ट्रेंड बताएगा, ट्रेंड बताने के बाद में आपको पता चल जाएगा, आप चाहे निफ्टी करते हो या बैंक निफ्टी करते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से साइड में रहना है, ऑप्शन बाय करना है, पी बाय करना है या सी बाय करना है, आपको बेसिकली उसका आइडिया दे देगा वो कि आपको कौन से साइड में बैठना है, व्यू क्या बनाना है आपको। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपको दिक्कत आती होगी, मार्केट शुरू हो गया, आप पहले कैंडल पे तो नहीं कूदते होंगे ना, तो आपको देखना पड़ेगा पहले ट्रेंड क्या है, बाइंग वाला है सेलिंग वाला है, मार्केट बाइंग के लिए जा रहा है सेलिंग के लिए जा रहा है, आपको देखना तो पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको पता कैसे चलेगी कि आज मैं मार्केट में क्या करूँ, पी बाय करूँ या सी बाय करूँ, तो ये बेसिकली आपको वो ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करके देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये इंडिकेटर मैं अभी प्लॉट कर रहा हूँ। देखो, ये जे एक्स मोदी टूल नाम से ये है। इसका आपको बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको सेटिंग कुछ भी नहीं करनी है, बिल्कुल जैसा है। मैं इसकी जो कोड आते हैं, जो आपको पाइन एडिटर में, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, आपने शायद देखा ही होगा, उस वीडियो में बताया हुआ है कि वो जो मैं फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल जो है गोल्डन बुल्स नाम से, उस पे जाके आप वो फाइल जो कोड है उनके स्क्रिप्ट किया हुआ है कोडिंग करके, वो जो फाइल है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी मेरे चैनल पे, वहाँ से आपको उठानी है वो, और उसको आपको, तो आपको वो जो फाइल है वहाँ पे मिल जाएगी, आपको प्रोवाइड हो जाएगी। उसको आपको सिंपली कॉपी करना है, आपके ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे आना है। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में आने के बाद पाइन एडिटर आपको खोलना है, ये पाइन एडिटर आपका खुल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे पहले कुछ कोड, छोटे से कोड होंगे यहाँ पे, उसको आपको सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए दबा के उसको डिलीट करना है, और इसे पेस्ट कर देना है, ये जो मैं कोड दिया हूँ आपको उसको, और ऐड टू चार्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद में वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगा। वो प्लॉट होने के बाद में आप देखो, और आपको इंट्राडे में 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे निफ्टी करते हो चाहे बैंक निफ्टी करते हो, तो आपको वो प्लॉट कर देना है, 5 मिनट में आना है। जैसे मार्केट खुलता है सुबह, ये मार्केट खुला 9:15, इसको आपको सेटिंग कुछ नहीं करना है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये इसकी सेटिंग है। इनपुट्स में आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरा कोडिंग किया हुआ है ऑलरेडी, आपको कुछ भी इसमें छेड़छाड़ करनी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। स्टाइल में आना है आपको, अगर ये वाला और ये वाला कलर चेंज करना है, समझो इसके ऊपर है, आपको अगर इसका कलर ग्रीन चाहिए
इसका ये वाला जो लाइन है, इसका अगर कलर आपको ग्रीन चाहिए तो समझ में आएगा आज मार्केट बाइंग के लिए है। तो इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, इसको कर देते हैं हम डार्क, ये हो गया ग्रीन। और ये वाला जो कलर है, ये वाला जो कैंडल इसके नीचे चल रही है ये वाला, उसको कर देते हैं हम रेड, इसको करेंगे अपन डार्क। ओके, बस यही, बस एक आपको अगर करना है आपके हिसाब से कि समझ में आए अगर इसके मार्केट इस लाइन के ऊपर है तो बाइंग के लिए है, और ये रेड लाइन के नीचे है तो सेलिंग के लिए है। बस ये सिंपल सा आपको समझना है कंसेप्ट। और ये जो नीचे दिख रहा है ये ग्रीन कलर वाला जो पार्ट है ये, और ये, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये है इसका सपोर्ट ग्रीन वाला, और ऊपर जो है ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बराबर। तो देखो ये मेरे ख्याल से फ्राइडे का है, ये देखो मार्केट ओपन हुआ 9:15 बजे, पहले ग्रीन कैंडल बनाए, उसके बाद में साइडवेज गया, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग का दिखाया, उसने सिग्नल दिया, सिग्नल जनरेट हुआ, उसके बाद में जैसे ही इस लाइन के नीचे गया इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया, ट्रेंड चेंज हो चुका है अभी 5 मिनट में। तो देखो यहाँ पे अगर आप एंट्री कर लेते, और इसमें से थोड़ा इसमें आप इसके साथ में प्राइस एक्शन को जोड़ सकते हैं। देखो सिंपल आपको क्या करना है, मार्केट यहाँ पे था, ट्रेंड लाइन खींच दो, इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस के आसपास ही ओपन हुआ था ये, आपने खींच दिया ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन खींच दिया आपने। जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, मल्टी कंफर्मेशन देखो कैसे मिल रहा है आपको, यहाँ पे इस लाइन के नीचे भी गया, मतलब जो इंडिकेटर है उसने इंडिकेशन दे दिया मैं सेलिंग के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस था, दूसरा कंफर्मेशन, और तीसरा कंफर्मेशन देखो आपको ये ट्रेंड लाइन का मिल रहा है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन हो रहा है, ट्रेंड भी नेगेटिव बन रहा है, और इस लाइन के ये जो इंडिकेटर मैंने दिया है इसके भी नीचे चल रहा है अभी। तो देखो आप यहाँ पे एंट्री कर लेते, यहाँ पे भी एंट्री कर लेते, यहाँ पे आप एस एल रखते तो भी दिन भर उसके बाद में मार्केट आया ही नहीं। देखो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे बराबर, अगर नहीं किए होते तो भी। अब देखो पूरा ट्रेंड चल रहा है दिन में, पूरा पूरा दिन ट्रेंड चला, ये देखो यहाँ पे इस दिन चलते मार्केट खुला 9:15, देखो मार्केट खुला, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद में बाउंस लिया सपोर्ट से, देखो सपोर्ट से थोड़ा हल्का सा ऊपर से बाउंस लिया मार्केट ने, उसके बाद में ये वाला जो अपना सिग्नल देने जनरेट हुआ है ये वाला, देखो इस कैंडल के ऊपर जनरेट हुआ है, इसके बाद में मार्केट ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया। देखो रैंडमली अभी हम दूसरे दिन चलते हैं कहीं भी, चलो इस दिन देखते हैं क्या हुआ। अच्छा फ्री में इतने पीछे जितना दिख रहा है अपन उतना देखेंगे, चलो देखते हैं। इस दिन देखते हैं, ये देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे यहाँ सपोर्ट भी था, यहाँ रेजिस्टेंस भी था, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद में गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर आया, यहाँ पे आपको मिल गया इंडिकेशन मार्केट पॉजिटिव हो चुका है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये इंडिकेटर के ऊपर निकल रहा है बराबर। इसके साथ में आपको थोड़ा सा क्या करना है, प्राइस एक्शन मिला देना है। देखो पीछे ये पीछे पहले वाला, पहले एक दिन वाला, पहले दिन है, पहले वाला दिन है, इस दिन मार्केट खोला है, जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, देखो इस यहाँ पे इस कैंडल पे या इस कैंडल पे आप एंट्री ले सकते थे, उसके बाद में देखो आप कैसे ट्रेंड चलता गया, कहीं पे भी आपको इसने सिग्नल नहीं दिया है, यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ था रेड, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या यहाँ पे, या यहाँ पे भी किया होता तो भी आपको ये पूरा ट्रेंड मिल गया होता। उसके बाद में देखो ये देखो यहाँ पे दिन शुरुआत हुई 9:15 बजे, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आया, जैसे इस सिग्नल के नीचे गया इस लाइन के नीचे,
और ये रेड में टर्न हुआ, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे आप, या तो एकदम आपको कंफर्म चाहिए तो जैसे ही यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन खींच सकते थे, ऐसे भी खींच सकते हो या तो ऐसे भी खींच सकते हो। अगर आपको एकदम कंफर्म ट्रेंड चाहिए तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे या यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। इतना भी मूवमेंट आपको मिल गया तो बहुत है, इतना भी मिल गया बिगिनर के हिसाब से। आपको समझो आपको कुछ भी नहीं आता है कहाँ पे ट्रेड लेना है, सिर्फ कैंडल देख के आपको घुसना नहीं है। रेड कैंडल बन गई चलो पी बाय करते, ग्रीन कैंडल दूसरी बन गई चलो सी बाय करते, ऐसा नहीं करना है आपको। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये देखो इस दिन मार्केट जैसे ही खुला 9:15 बजे, आपको पता है ट्रेंड अभी नेगेटिव है, कल से ही नेगेटिव बन चुका है, तो आपको इस दिन बाइंग का सोचना ही नहीं है। जैसे ही यहाँ पे आए रेजिस्टेंस के पास, ये पहले वाले दिन का आप रेजिस्टेंस पकड़ सकते हो, या तो ट्रेंड लाइन भी पकड़ सकते हो, ऐसे ऐसे ट्रेंड लाइन बनाओ सिंपल सी। जैसे ही ये रेजिस्टेंस के पास आया आप यहाँ पे सेल कर सकते, पी बाय कर सकते थे, तो इतना आपको प्रॉफिट मिल जाता था, मिल गया होता। उसके बाद में आपको आप होल्ड भी करते तो देखो पूरे दिन नेगेटिव था मार्केट। यहाँ पे हालांकि इसने दिया था सिग्नल, लेकिन आपको पता है ना सुबह से ही ट्रेंड क्या चल रहा है, नेगेटिव में चल रहा है। या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे, उसके बाद में यहाँ पे साइडवेज मार्केट जो हो गया था यहाँ पे छोड़ दो ना, उसके बाद में यहाँ पे फिर से उसने सिग्नल जनरेट किया। देखो 12:45 पे यहाँ पे भी एक एंट्री बनती थी, यहाँ पे भी सेम आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, मल्टी कन्फर्मेशन लो आप, आपको पता है सपोर्ट कहाँ पे जाके मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो इसके नीचे चला गया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद में देखो ट्रेंड, देखो कितनी बढ़िया रैली मिली आपको। उसके बाद में उसी दिन दोपहर देखो कितने बजे, ये 12:40 चालीस या 45, हाँ 3:45 के आसपास आप पकड़ो, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल जनरेट हुआ। देखो इसके ऊपर चल गया, चला आया मार्केट। इसके बाद में आप BTST ट्रेड भी करते ना, BTST, ये देखो मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर क्लोजिंग दिया है। आपको पता है आज ही मतलब कल ही दोपहर में मार्केट पॉजिटिव हो चुका था, उसके बाद में जैसे ही मार्केट खुला दूसरे दिन देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये जो उसका ऊपर वाला जो रेड वाला पार्ट है इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो ये हो गई, ये इसका टाइम फ्रेम आपको सिर्फ 5 मिनट में यूज़ करना है। और अभी दूसरा इंडिकेटर इसका, मैं जो डिस्क्रिप्शन है मेरा उसमें मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, या तो आप डायरेक्ट सर्च करके गोल्डन बुल्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके आप ये फाइल डाउनलोड करो और प्लॉट करो। अभी दूसरा इंडिकेटर मैं बताने वाला हूँ आपको, ये स्मूथ है कि नहीं ऐसी कैंडल है, स्मूथ है कि नहीं ऐसी कैंडल से देखो, इसको नोट डाउन कर लो, स्मूथ है कि नहीं ऐसी कैंडल V1 जैक VMK4466 नाम से इसका कोड, जो भी ये कोड है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स सेक्शन में, आपको ये मिल जाएगा स्मूथ है कि नहीं ऐसी, इसको प्लॉट करो। ये देखो ऐसा उसका इंटरफेस आएगा, आपको जाना है इसकी सेटिंग में, इनपुट्स सॉरी इनपुट्स नहीं स्टाइल में जाना है, और ये जो वीक वाला जो पार्ट है ना इसका वीक वाला, ये जो है आपको पूरा इसका ओपेसिटी जो है 0 कर देना है। देख रहे हो ये जो वीक्स है ना उसका जो कैंडल्स के, तो ये गायब हो जाएगा उससे, ये वीक्स आप गायब कर दो बस। ये देखो पता चल रहा है आपको, प्रॉफिट बुकिंग आपको कहाँ करना है पता चल जाएगा। देखो इसमें आइडिया लग रहा है आपको, क्या क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, देखो ट्रेंड पता चलेगा आपको। ये देखो यहाँ पे दिन खुला, चलो कोई स्टॉक लेते हैं अभी, या तो निफ्टी लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये देखो रैंडमली कौन सा दिन है आज ही नहीं पता है, ये देखो कौन सा दिन है भाई, 15 दिसंबर,
आज क्या है 19 दिसंबर। देखो जैसे ही मार्केट खुला, पहले दो तो ग्रीन कैंडल बन गई, तो आप पहले से पता है ना आपको, ग्रीन कैंडल अगर ग्रीन भी बन रही है तो ट्रेंड क्या है इससे पता चलेगा, नेगेटिव है। तो आपको यहाँ पे बाइंग का सोचना ही नहीं है, आपको क्या सोचना है, सेलिंग का। सेलिंग मीन्स पी वाई करना है आपको। तो देखो अपने यहाँ पे भी ये सेकंड कैंडल छोड़ो, थर्ड कैंडल पे भी आपने कोई पी वाई कर लिया होता तो देखो पूरा ट्रेंड मिला होता आपको। देखो कितने बढ़िया रैली दिया पूरा दिन भर। और ये स्टॉक्स में भी काम करता है, ये जो आप अगर इंट्राडे करते होंगे तो एक स्टॉक दिखाता हूँ मैं, एकदम बढ़िया सा स्टॉक है जो बहुत सारे ट्रेडर मेरे ख्याल से यूज़ करते होंगे, उसमें इंट्राडे करते होंगे। इंडोसन बैंक नाम है जिसका, फेवरेट स्टॉक है सबका इंट्राडे के लिए। ये देखिए, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये 9:15 बजे मार्केट खुला, यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया उसने, सस्टेन नहीं कर पाया शायद ऊपर। ये देखो यहाँ पे एंट्री बनती थी आपकी यहाँ पे, और यहाँ पे कंफर्मेशन क्या है, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी है। ये देखो पूरा पूरा राइड मिला आपको पूरा। देखो पीछे चलते हैं, ये देखो यहाँ पे 9:15 बजे मार्केट खुला, पहले कैंडल ने इंडिकेशन दे दिया था, ये इसके ऊपर ये कैंडल है ग्रीन ग्रीन पॉजिटिव, इसको तो पॉजिटिव मानेंगे। देखो यहाँ पे एंट्री, ये भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है किसी कैंडल ने, इसी कैंडल ने दे दिया। देखो पूरा ट्रेंड मिल गया, ये देखो देखो रैली देखो, है ना बढ़िया इंडिकेटर है ना ये। देखो ये देखो यहाँ पे मार्केट खुला 9:15 बजे। देखो ये बीच बीच में जो रेड कैंडल बन रही है ना, तो आप उससे घबराएंगे नहीं बिल्कुल, निकलेंगे नहीं बाहर, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड क्या चल रहा है। देखो ये आपको सपोर्ट कर रहा है, ये देखो कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में। देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, आपको पता है पहले से ही पता है ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। तो आपको क्या सोचना है, सिर्फ सेलिंग के लिए सोचना है, मतलब आपको सेल करना है स्टॉक को। देखो पूरा पूरा ट्रेंड मिलेगा आपको, ये देखो ट्राई करो इसको लाइव मार्केट में एक बार यूज करके देखो। यहाँ पे देखो यहाँ पे था पॉजिटिव था ट्रेंड, लेकिन वो बाद में नेगेटिव कन्वर्ट हो गया, तो पूरा देखो यहाँ पे भी आपकी एंट्री बन गई होती 1198 पे, 10:15 बजे आपकी एंट्री होती, निकलते कब आप 12:40, 1198 रुपीज़, 1180। देखो कितना रैली मिला है, 18 रुपये का रैली मिला है आपको। तो यूज़ करो इसको, ये जो इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया काम करता है मार्केट में, एकदम सही तरीके से चलेगा। आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता है आपको क्या लेना, मतलब बाय करना है या सेल करना है, आपको अगर आइडिया नहीं आ रहा है, आइडिया नहीं लग रहा है, तो ये आपको डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग में हेल्प करने वाला है। ये जो इंडिकेटर मैंने बताया आपको दो, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें ऐसा कंटेंट में इस मेरे यूट्यूब चैनल पे लाने वाला हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे है आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। बढ़िया बढ़िया से इंडिकेटर, बढ़िया सा नॉलेज जो पेड मैंने इस कोर्सेस में लेके सीखा है, वो आपको मैं सब फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। बस आप चैनल को सपोर्ट करो, नया चैनल है बूमिंग बुल्स, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपके जो नए कुछ दोस्त होंगे सबको हेल्प होगा ट्रेडिंग करियर में, तो आप सबको दिखाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और आपको और किस चीज़ में दिक्कत आ रही है उसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। आप जो सब्जेक्ट देंगे, साइकोलॉजी के ऊपर हो गया, बाइंग सेलिंग के ऊपर हो गया, जिस भी सब्जेक्ट में आपको जिसमें भी दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट करके बताओ,
उस पे मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है दोस्तों। चलो बाय।